महाकाल की नगरी उज्जैन भी रेड जोन में है। उज्जैन में कोरोना से लड़ने के लिए अब प्रशासन भगवान भरोसे हो गया है। इस मुश्किल वक्त में अब इसे अंधविश्वास कहें या आस्था, लेकिन अब कोरोना से मुक्ति दिलाने के लिए प्रशासन भगवान के सहारे ही है। उज्जैन कलेक्टर ने 24 खंभा माता मंदिर में मदरा का भोग लगाकर शहर को कोरोना से मुक्ति दिलाने की प्रार्थना की है। माता की पूजा के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल रखा गया। नगर पूजा की परंपरा एक गौरवशाली परंपरा है उज्जैन के इतिहास में, और राजा विक्रमादित्य के समय से ही ऐसा माना जाता है कि परंपरा चली आ रही है। और इसका मुख्य उद्देश्य न केवल नगर के लिए बल्कि पूरे देश के कल्याण, विश्व के कल्याण के लिए प्रार्थना करना होता है। आज उसी परंपरा का पालन करते हुए अष्टमी के दिन मेरे द्वारा ये पूजा जो है प्रारंभ करी गई है, और ख़ास तौर पर कोरोना से जो हमारा संघर्ष चल रहा है, मानवता का संघर्ष चल रहा है, उसमें जल्दी से हम लोग विजयी हों। न केवल हमारा उज्जैन शहर बल्कि मध्य प्रदेश और पूरा देश और विश्व जल्दी से कोरोना मुक्त हो, ऐसी प्रार्थना की गई है। परंपरा के अनुसार पहले मंदिर में कलेक्टर के द्वारा पूजा करी जाती है और अंतिम गढ़कालिका देवी की पूजा जो है शाम को करी जाती है। बीच में जो समस्त मंदिरों की पूजा वो कोतवाल और पटवारियों के द्वारा संपन्न करी जाती है, तो उसकी शुरुआत मेरे द्वारा कर दी गई है। और परंपरा का जो उद्देश्य था, मुझे लगता है इस उद्देश्य में और कोरोना को भगाने में निश्चित रूप से हम लोग सफल होंगे। वहीं एसपी मनोज सिंह ने बताया कि विपदा से मुक्ति के लिए नगर पूजा उज्जैन की परंपरा रही है। नगर पूजा करके भगवान से इस महामारी से मुक्ति मिलने की प्रार्थना की है। देखिए, हम लोग तो निमित्त मात्र हैं और सारा ईश्वर का कृपा से ही सब इस दुनिया संचालित होती है। तो उज्जैन नगर की जो परंपरा रही है कि जब जब भी कोई त्रासदी विपत्ति आती है तो नगर पूजा होकर के हम लोग भगवान से प्रार्थना करते हैं, बाबा महाकाल से, सभी देव देवताओं से प्रार्थना करते हैं कि हे ईश्वर, हे महाबा महाकाल, हे सारे देवी देवता, हमारे शहर को, जगत को, विश्व को इस महामारी से मुक्ति दिलाइए। उसी क्रम में हम और डीएम साहब आज नगर पूजा की 24 खम्मा से शुरुआत किया है, और मुझे हम लोगों को पूरी उम्मीद है कि आम जनता और हम सबके सहयोग और बाबा के आशीर्वाद से, सभी देवी देवताओं के आशीर्वाद से यह महामारी की समस्या हमारे शहर से मुक्त होगी और नगर में एक अच्छी शुरुआत होगी और खुशहाली का माहौल बनेगा। इसी ख्याल से हम लोगों ने इस पूजा की आज। आपको बता दें कि माता को मदरा चढ़ाने की परंपरा हजारों साल पुरानी है, जिसके अनुसार महामारी से बचने के लिए 24 खंभा माता मंदिर पर मदरा चढ़ाकर पूजन अभिषेक किया करते थे। महाकाल वन के मुख्य प्रवेश द्वार पर विराजित माता महामाया और माता महालाया 24 खंभा माता मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। मंदिर के अंदर 24 काले पत्थरों के खम्भे हैं, इसलिए इसे 24 खंभा माता मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। उज्जैन से संदीप कुलश्रेष्ठ की रिपोर्ट, एमपीता।